पीसी बिल्ड करते टाइम पता है एक ऐसा पीसी कंपोनेंट होता है जिसको कि हम और आप ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, जो कि होती है पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि हमारे हर पीसी कंपोनेंट को पावर प्रोवाइड करता है। नॉर्मली होता ही है कि जब भी हम लोग को यार कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस नेट पर थोड़ा बहुत सर्च करते हैं, एक ब्रांडेड पावर सप्लाई उठा लेते हैं और उसे अपने पीसी पर लगा भी देते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये तरीका काफी अच्छे से काम भी करता है। वेल, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर सप्लाई के बारे में और आपको बताएंगे कि आपके सिस्टम के हिसाब से कौन सी पावर सप्लाई आपके लिए परफेक्ट रहेगी और इन केस अगर आप अपनी पावर सप्लाई को अपग्रेड करने वाले हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वेल, तो अगर आप भी इसी टॉपिक पे इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय windowkeys.in। अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप windowkeys.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपए में और रिटेल की 1350 रुपए में देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप पीसी बिल्ड करने वाले हो तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो ज्यादातर 450 वॉट से लेके लगभग 750 वॉट के बीच ही होती है। उसके ऊपर के जो लोग पीसी बिल्ड करते हैं ना, वो हमारी कम्युनिटी में बहुत ही कम लोग होते हैं। अब यहाँ पर जो है कूलर मास्टर ने अपनी MWE सीरीज को जो है रिफ्रेश किया है, जहां पर पहले वो लोग 80+ एफिशिएंसी ऑफर करते थे, अब वो लोग 80+ ब्रॉन्ज V2 एफिशिएंसी ऑफर करते हैं। 80+ ब्रॉन्ज जो होता है वो व्हाइट के मुकाबले बेटर एफिशिएंसी भी आपको प्रोवाइड करता है। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर प्राइस हाइक आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला है। जो प्राइस आप पहले पे करते थे, सेम PSU आपको सेम प्राइस पर देखने को मिल जाता है विद बेटर एफिशिएंसी। कूलर मास्टर के PSU में मुझे एक चीज ये अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपको ब्लैक फ्लैट केबल्स देखने को मिलते हैं, अनलाइक अदर ब्रांड्स जहाँ पर आपको जो है मस्टर्ड केबल देखने को मिलते हैं और वो फ्लैट भी नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप अपने केबिनेट के अंदर थोड़ा सा क्लीन लुक अचीव करना चाहते हो, केबल मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो ब्लैक फ्लैट केबल्स यानी कि कूलर मास्टर के PSU आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब पता नहीं यहाँ पर क्यों, लेकिन बॉक्स के अंदर इससे आपको जो है जो पावर कॉर्ड देखने को मिलती है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की है, जिसको कि आप अपने वॉल सॉकेट में स्टिल यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन सा PSU खरीदना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ध्यान में ये रखनी चाहिए कि जो भी आप पावर सप्लाई ले रहे हो वो एक रेप्यूटेड ब्रांड के साथ आती हो और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एफिशिएंसी भी ऑफर करती हो, जैसे कि यहाँ पर कूलर मास्टर आपको 80+ ब्रॉन्ज V2 एफिशिएंसी ऑफर करता है। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि जब भी आप कोई पावर सप्लाई लो, मेक श्योर कि वो जो है आपको प्रॉपर कनेक्टर, पावर कनेक्टर प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हो जहां पर आप जो ग्राफिक्स कार्ड यूज करोगे उसे 8-पिन पावर कनेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आपका पावर सप्लाई केवल 6-पिन जो है पावर कनेक्टर प्रोवाइड करेगा तो आपका सिस्टम रन नहीं कर सकता, आपके GPU को प्रॉपर पावर नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो भी PSU लो, मेक श्योर आपको सारे प्रॉपर कनेक्टर देखने को मिले। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके सिस्टम के लिहाज से कौन सा पावर सप्लाई आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का टोटल पावर कंजम्पशन कितना है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक लो एंड सिस्टम बिल्ड करते हो तो आपको कौन सी PSU लेनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल GPUs लगाते हो तो आपको कौन सा पावर सप्लाई लेनी चाहिए, या अगर आप एक ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो आपको कौन सा पावर सप्लाई लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आप कूलर मास्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने स्पेक्स डाल सकते हो, वो आपको खुद ब खुद पावर सप्लाई सजेस्ट कर देगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वही आप में से जो लोग थोड़ा सा सेफ साइड पर रहना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि अपने सिस्टम को फ्यूचर में ओवरक्लॉक करना चाहते हैं, थोड़े बहुत अपने जो है कंपोनेंट्स को अपग्रेड भी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको सीधा सा फंडा बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने वाले हो जहाँ पर आप कोर i3 या राइजन 3 जैसा प्रोसेसर यूज़ करोगे, साथ ही में जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 1650 सुपर जैसा यूज़ करने वाले हो ना, तो आपके लिए कूलर मास्टर की 450 वॉट की पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। यहाँ पर आप अपने चाहो तो अपने प्रोसेसर को थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। वहीं यहाँ पर अगर आप राइजन 3 के आगे बढ़ते हो या कोर i3 के आगे बढ़ते हो, राइजन 5 या कोर i5 के साथ सिस्टम बिल्ड करते हो और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर अगर आप 1650 के ऊपर जाते हो ना, जैसे कि 1660 सुपर हो गया या RTX 2060 सुपर हो गया, तब यहाँ पर आपके लिए जो है कूलर मास्टर की MWE 550 वॉट एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपग्रेडेशन का भी पाथ देखने को मिल जाता है। तो इनकेस अगर आप थोड़ा सा फ्यूचर में अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहते हो या ग्राफिक्स कार्ड को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको रूम भी मिल जाता है।
वहीं यहाँ पर अगर आप प्रोसेसर पे राइजन 7 3700X जैसा यूज करने वाले हो और यहाँ पर आप जो ग्राफिक्स कार्ड यूज करोगे वो RTX 2080 सुपर जैसा यूज करने वाले हो तो आपके लिए 650 वॉट की पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहेगी। यहाँ पर जो आपको पावर मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा, साथ ही में अगर आप चाहो तो अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, आपका सिस्टम काफी स्टेबल रहेगा। वहीं यहाँ पर अगर आप Ryzen 9 जैसा सिस्टम बिल्ड करने वाले हो और यहाँ पर आप 3080 जैसा ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हो ना, तब आप यहाँ पर 750 वॉट की पावर सप्लाई के साथ जा सकते हो। आपका यहाँ पर जो टोटल पावर कंजम्पशन रहेगा वो 750 वॉट से थोड़ा कम रहेगा, आपका सिस्टम स्टिल स्टेबल रहेगा। बट स्टिल आप में से जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इन सब चीज़ों पर, दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो लोग कूलर मास्टर की पावर कैलकुलेटर की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको टोटल पावर कंजम्पशन मिल जाएगा, तब आप उसके लिहाज से अपना जो है पावर सप्लाई चूज कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप यहाँ पर कूलर मास्टर की कोई भी पावर सप्लाई लेते हो और कूलर मास्टर का K501L लेटेस्ट वाला कैबिनेट लेते हो ना, तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज का कैशबैक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफर उन लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा जो लोग नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं या अपने पुराने वाले सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड जाकर चेक भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये थे इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।